तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लोअर रॉ को। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप इस तरह के टेक्निकल चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज अगर आपको देखना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं या किसी भी तरह के एग्जाम में आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर के जानकारी की जरूरत पड़ती है, तो आप हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी टाइपिंग के लोअर रॉ को। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप हमारे साथ होम रॉ एंड अपर रॉ को कंप्लीट करते चले आ रहे हैं लेसन वन एंड लेसन टू में। ये हमारी लेसन थर्ड वाली वीडियो है। अगर आप लेसन वन और टू वॉच नहीं किए हैं तो आप लेसन वन एंड टू को पहले आप वॉच कीजिए और देन हमारे इस लेसन थर्ड वाले वीडियो में आइए, जहां पे हम आपको कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग से थर्ड रॉ को आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस थर्ड रॉ में कौन कौन से हिंदी के लेटर्स हैं और वो लेटर्स कौन कौन से फिंगर से जो है चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारे पास नोट पैड ओपन है और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कंगलियां जो फिंगर है आपका साइड फिंगर, यहां से आप एक होम पोजिशन को यहाँ पे आप देख रहे हैं लेसन वन एंड टू में जिस तरह से फॉलो किए, लेसन थर्ड में भी होम पोजिशन आपका हिंदी टाइपिंग में यही रहेगा, जहां पे जे एच पे जो है आपको फिंगर नहीं रखने हैं, यहां पे ए पे जो है फिंगर नहीं रखने हैं, एफ से स्टार्ट करने हैं, इधर आपको इनवर्टेड कॉमा से स्टार्ट करने हैं। यहां पे ये हिंदी टाइपिंग का होम पोजीशन है और यहां पे साइड वाली फिंगर से चलाएंगे र, दूसरा फिंगर से चलाएंगे ग, तीसरा फिंगर से चलाएंगे ब, चौथे फिंगर से चलाएंगे अ और इसी फिंगर से चलाएंगे ई। ओके, एक बार स्पेस लेंगे और इस राइट हैंड साइड के कंगुलिया जो आपका फिंगर है साइड फिंगर, इस उंगली से चलाएंगे ये वाली बटन। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क वाली। ओके, तो यहां पे चलाएंगे आधा ध, ये आधा ध है दोस्तों, दूसरे फिंगर से चलाएंगे ये वाली बटन्स। ओके, सो आधा मूर्धन्य ए, तीसरे फिंगर से इसी फिंगर से चलाने हैं ऊ और इसी फिंगर से फिर चलाने हैं द, इंटर की प्रेस करेंगे। फिर से देखिए दोस्तों, कंगुलिया जो आपका साइड वाली फिंगर है लेफ्ट हैंड साइड के र, ग, ब, अ, ई, स्पेस आधा ध, आधा मूर्धन्य ए, उ, द, इंटर की प्रेस करेंगे। फिर से चलाएंगे र, ग, ब, अ, ई, फिर अपने स्थान पे आधा ध अपने स्थान पे, आधा मूर्धन्य अपने स्थान पे, ए, उ, द। सो माय डियर फ्रेंड, आप जो लेटर जो सीख रहे हैं यहाँ पे लोअर रॉ के ऊपर, लोअर रॉ जो इंग्लिश में मैं आपको बताया था कि होम पोजीशन ये होती है, एफ और जे पे ग्रिपिंग पोजीशन होती है, तो आप जेड से स्टार्ट करते हैं दूसरे फिंगर से, लेकिन वही होम पोजीशन हिंदी में यहाँ आ चली आती है और यहाँ पे आपका जो है ये वाली फिंगर, ये वाली जो बटन है इसको आप छोड़ देते हैं, इसीलिए इस वाली फिंगर का जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा हिंदी टाइपिंग में। लोअर रॉ को बाएं हाथ से इस साइड वाले फिंगर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में हम इस वाले दूसरे नंबर वाले फिंगर से इस लोअर रो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोनों ही टाइपिंग में, चाहे वो आपकी हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग हो, दोनों ही टाइपिंग में ये राइट हैंड साइड वाले से हम साइड फिंगर से ही स्टार्ट करते हैं। चाहे हम इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो तो साइड फिंगर का इस्तेमाल किया जाएगा, या हम हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो भी जो है ये साइड फिंगर का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो ये थी नोटपैड में मैं आपको बताया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब एमएस वर्ड में। जैसा कि होम पे जाएंगे और हमारा जो है फॉन्ट आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे मैं आपको यहां पे KrutiDev में बता रहा हूं, आपको यहां पे फॉन्ट के साइज सेलेक्ट करने हैं बोल्ड, यानी जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। ओके, और यहां देखिए र, ग, ब, अ, ई, स्पेस। देखिए वर्ड में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो वर्ड में जो है या वर्ड या कोई भी अदर एप्लीकेशंस हो, जहां पे भी इस तरह की एरर आती है कि आप जब हिंदी में टाइप कर रहे हैं लेकिन वो अपने आप किसी अदर तरह की कैरेक्टर में वो चेंज हो जा रही है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा आपको दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पे हम ऑटो करेक्ट जो है एमएस वर्ड में इनेबल रहती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो ऑप्शन है वो इनेबल रहती है, जो हिंदी के टाइपिंग को एज ए इंग्लिश ट्रीट करती है और वो ग्रामेटिकल एरर जो है रिप्रेजेंट करती है रेड कलर से या ग्रीन कलर या ब्लू कलर, जो भी हो ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर, फॉर्मेट एरर अगर होगी तो वो आपको जो है एरर इंडिकेट करेगी। लेकिन अभी आपको उसको इग्नोर करने हैं, कंट्रोल जेड यहां पे आपको लेने हैं ताकि आपको ये फिर से रिवर्ट पोजिशन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको वर्ड भी साथ साथ बता रहा हूं कि वर्ड में क्या होता है
है कि जब आप कोई भी हिंदी लेटर को प्रेस करते हैं तो कोई कुछ कुछ ऐसे हिंदी के लेटर हैं जिस पे आपको कंट्रोल जेड प्रेस करने होते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक जो कंडीशन ऑटो करेक्ट वाली ऑप्शन है उसको वो फॉलो ना करे, जो हम की प्रेस कर रहे हैं वही वहां टाइप हो। तो यहां देखिए आधा ध, ओके, आधा मूर्धन्य, ए चौथे फिंगर से उ, द मेरे साथ फिर से चलिए, र ग ब अ ई स्पेस आधा ध आधा मूर्धन्य ए उ और इसी फिंगर से द। तो इसी तरह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एमएस वर्ड में हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस ना करें, आप नोटपैड में हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ कुछ ऐसे लेटर हैं जो आपको एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट ऑप्शन के कारण आपको कंट्रोल जेड प्रेस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लेसन वन में आपको दिखाया था, आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं आधा ताला बे स, लेकिन वहां जो है वो टाइप हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्धन्य स, तो कंट्रोल जेड से जो है आप इसको सही कर सकते हैं, ओके, जैसा कि यहाँ वहां पे देखिए, ओके। तो इसीलिए मैं आपको वर्ड भी साथ में बता रहा हूं कि आपको वर्ड में जो है टाइपिंग अगर करने होते हैं तो वहां पे कंडीशन कुछ और ही होती है, ओके। जब आपको ये सारी लेटर याद हो जाए, आपको अपने इस चारों फिंगर पे आठों फिंगर पे लोअर रॉ को, तो आपको नेक्स्ट जो टास्क है आपका वो होम रॉ, अपर रॉ एंड लोअर रॉ के तीनों रॉ के कॉम्बिनेशन से आपको वर्ड बनाने हैं, जो फिर से मैं आपको कहूंगा आप अपने कंप्यूटर में सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, सोनमा देखिए यहाँ पे सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट जो है, अगर आप यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे, ओके, तो यहाँ पे जो है सोनमा टाइपिंग जो एक्सपर्ट है वो लॉन्च होगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हिंदी पे क्लिक करने हैं, अपना नाम देने हैं और लॉग इन पे क्लिक करने हैं, और यहाँ पे होम रो, लो अपर रो एंड लोअर रो के कॉम्बिनेशन से आपको टास्क बनाने हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं टॉपिक नंबर 7 होम अपर एंड लोअर रो वर्ड्स, ओके। आपको टॉपिक नंबर 7 जो है कंप्लीट करने हैं, लेसन 1 में टॉपिक नंबर 3 थे, लेसन 2 में टॉपिक नंबर 5 थे जो आपको कंप्लीट करने थे, और लेसन 3 में टॉपिक नंबर 7 है जो आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आप ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हैं और स्टार्ट टेस्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे गद वेद, ओके, तो यहाँ पे होम पोजीशन पे आएंगे, ग द गद वेद दग स्पेस दब स्पेस उब स्पेस ए ग एग ए व अंस्वा एवं दंग, ओके, अगर आप गलती करेंगे तो वो इंडिकेट करेगी, अद, ओके, पक प क पक उन इन बच। इस तरह से आप इस टास्क को, ये जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट को, जरूर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और होम रो, अपर रो एंड लोअर रो के कॉम्बिनेशन के द्वारा आप वर्ड का प्रैक्टिस करें, और ये सारा वर्ड जो यहाँ पे लिखी हुई है वो एक बार नहीं बल्कि कम से कम 15 से 20 बार आप इस सारे वर्ड को टाइप करें, 15 से 20 बार लेसन को लॉन्च करें टाइप करें, और ये सारा तीनों रो के कॉम्बिनेशन से जो है यहाँ पे लेसन 1, 2 एंड लेसन 3 में मैंने आपको जो भी कुछ बताया तीनों लेसन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो है आपको वर्ड बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं लेसन 4 में कि हमारा कौन सा ऐसा वर्ड है जो लेसन 4 से बिलोंग करती है, और मैं आपको बता दूं कि लेसन 4 होम रो पे आएंगे, लेसन 5 अपर रो पे आएंगे, लेसन 6 फिर से लोअर रो पे आएंगे शिफ्ट के द्वारा, ओके। तो वहां पे अब जो है आपको और भी इजी तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे आप होम रो, अपर रो एंड लोअर रो के शिफ्ट कंडीशन को समझेंगे, और क्योंकि हिंदी में जो है मोर देन 52 कैरेक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर आपको होम रो, अपर रो और लोअर रो पे आपको मिल जाती है जो कि बिना शिफ्ट और शिफ्ट प्रेस करके वो टाइप की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हिंदी के कैरेक्टर हैं जो आपको कुछ कैरेक्टर आपको जो है न्यूमेरिकल लेटर पे मिलती है, न्यूमेरिकल कीज पे शिफ्ट बटन के द्वारा, और कुछ कीज आपको यहाँ पे मिलती है, कुछ कीज अल्ट के कॉम्बिनेशन से 2, 3, 4 जो है, या 7, 8, 9 या आप कह सकते हैं 1, 5, 2, 8 जो कॉम्बिनेशन से जो है चलती है, और नया नया जो है लेटर
जनरेट होती है। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ये शॉर्टकट की निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सारा शॉर्टकट की जो है अल्ट के कॉम्बिनेशन से लिखी हुई है कि कौन से लेटर जो है कौन से की से होगी। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लर्निंग वीडियो टाइपिंग की तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ ताकि वो भी जो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को सीख सके और एक अच्छा टाइपिंग एक्सपर्ट बन सके। तो चलिए वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं Lesson-4 को कंप्लीट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ Lesson-4 होम रो के ऊपर शिफ्ट के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।